हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णांजलि व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? और हम सब ठीक हैं। आशा करती हूँ कि आप सब भी भले चंगे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से, और 12 o'clock हो रहा है समथिंग। और अभी मैं लंच की तैयारी करने आ गई हूँ किचन में, और बस अब लंच की तैयारी करेंगे। आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और आज है मंडे और डेट है 29 अगस्त। तो आज सुबह सुबह देवांश को स्कूल भेजा और फिर वही घर के काम सारे किए, और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैं कढ़ाई पनीर के लिए, ये मैंने चॉपिंग तो सुबह ही करके रख ली थी, वो जो चॉपिंग करते हैं, मतलब जो कचरे वाला काम होता है मोस्टली झाड़ू पोछा होने से पहले हो जाए तो अच्छा रहता है, इसीलिए चॉपिंग मैं मोस्टली सुबह ही कर लेती हूँ। ये कढ़ाई पनीर के लिए थोड़ा सा मैं पनीर काट के रख दूं, फिर मैं अपनी सब्जी बनाऊंगी। तो क्या अभी क्या थोड़ी बहुत देर में देवांश भी आ जाएगा, फिर साथ में हम लंच करेंगे। तो उसको ये है कि सबके साथ लंच करना थोड़ा अच्छा लगता है। अगर हम मैं पहले लंच कर लेती हूँ तो फिर वो बोलता है कि आपने मेरे लिए वेट नहीं किया। मोस्टली वो होता है, वो आ जाता है उसके बाद ही हम लंच करते हैं। चॉपिंग में मैं ये मैंने सारे चॉप करके रखे हैं, तो ये मैंने कुछ लहसुन की कलियां हैं जो छील के इनको रखा है। ये अदरक के टुकड़े छोटे छोटे काट लिए हैं। ये मैंने दो या तीन शायद बड़ी प्याज, छोटी या बड़ी प्याज काटी हैं बड़ी बड़ी। ये टमाटर और ये तीन हरी मिर्च, और ये मैंने शिमला मिर्च और ये प्याज के थोड़े स्क्वायर स्क्वायर स्टाइल के पीसेस निकाले हैं। ये पीसेस मैंने, मतलब जो प्याज के निकाले हैं वो आगे के निकाल लिए, और अंदर की प्याज उसमें ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लिया। और ये मैंने पनीर काटा है स्क्वायर स्टाइल का, और सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें मैं बनाऊंगी कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मसाला। एक्चुअली कढ़ाई पनीर का सबसे स्पेशलिस्ट यही चीज़ होती है कि उसका मसाला हमें खुद बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ जीरा लिया था साबुत, और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी, और साबुत मेरे पास धनिया नहीं था, तो मेरे पास पिसा हुआ धनिया था, तो मैंने पिसा हुआ धनिया डाला और उसको थोड़ा सा फ्राई करके, मतलब हल्का सा भून के और साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और ये मैंने कढ़ाई लिया, और कढ़ाई में मैंने चढ़ाया है ऑयल, और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ दो चम्मच के करीब ये बटर। बटर से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मैं मोस्टली ऑयल और बटर को मिक्स करके ही ये कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। तो और फिर सबसे पहले इसमें थोड़े लहसुन और अदरक डाला है, तो हल्का सा भुन जाने पर फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और इसको मतलब पूरी ही इस ग्रेवी को यहाँ अच्छी तरह भून लेंगे। और ये मेरे जब तक ये मसाला मतलब ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया था, ग्राइंड जार में करके साइड में रख दिया मैं, लेकिन मसाला हमेशा पीसना बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही, नहीं तो वो और ज़्यादा जल जाता है। फिर दूसरे साइड में मैंने एक पैन ये चढ़ा दिया है यहाँ पर। इसमें मैं ये थोड़ी पूरी तैयारी कर लूँगी जब तक, मतलब ये मेरी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने के लिए सिक रही है तब तक। तो इसमें मैं ये दो चम्मच बटर लूँगी, और इसमें फिर मैं डालूँगी जब तक मेल्ट हो जाए बटर थोड़ा सा, और इसमें ये जो हमारे स्क्वायर स्टाइल के प्याज और शिमला मिर्च कटी हुई रखी थी उन्हें हमें थोड़ा भूनना है, मतलब उसमें से हल्का सा जैसे होता है ना कच्चापन निकलना, वो चीज़ हो जानी चाहिए, जैसे कि पानी मर जाना चाहिए या कुछ, प्रॉपर नहीं हमें वो करना है, बस इतना सा करना है कि हमारा है वो हल्के हल्के भुन जाएं। और यहाँ पे मेरी प्याज भुन रही है और वो भी भुन रहे हैं, दोनों ही मतलब मीडियम फ्लेम पे चल रहा है। और फिर मेरा जब तक ये मसाला ठंडा हो गया था, मैंने कहा ये मसाले को पीस लेती हूँ हाथ, क्या जब तक खड़े खड़े क्या फटाफट चलाते रहो, तो ये मेरा मसाला यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, क्योंकि मसाला तुरंत के तुरंत पिस जाता है तो सही रहता है, क्योंकि अभी थोड़ा लेट भी हो गया है मुझे खाना बनाने में, और देवांश का आने का टाइम भी होता जा रहा है, और नहीं तो आते ही वो फिर खाना मांगता है। और ये मेरी प्याज थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन, मतलब हल्की सी ब्राउन हो जाए तो टमाटर और हरी मिर्च डाल देने हैं, और इनको भी मोस्टली कंटिन्यूस चलाते हुए पकाना है। ये
मतलब जो हमें ये मसाला पीसा है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, मतलब बारीक पीसना है लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। फिर ये मेरे प्याज और ये शिमला मिर्च हल्की सी भुन चुकी थी, मतलब इनका कच्चापन निकल चुका था हल्की हल्की, जैसे उसमें से जो पानी होता है वो हटा दिया था। फिर मैंने उसी पैन को दोबारा रखा था और उसमें फिर 2 चम्मच फिर बटर डाला था, और इसमें मैं भूनूंगी अपना पनीर। पनीर को थोड़ा फ्राई करना पड़ता है कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और इसमें फिर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भूनने में, मतलब मीडियम फ्लेम पे भूनना है आपको, और मैं ये जो कढ़ाई पनीर मसाला मैंने बनाया था वो थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें डालूंगी, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें हल्दी आधा चम्मच, और इसको मैं कंटिन्यूस हिलाते हुए मुझे मतलब भूनना है। ऐसा नहीं कि एक साइड बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए पनीर और एक साइड ऐसे, मतलब कंटिन्यूस इसको थोड़ा सा चलाते रहना है या पलटते रहना है आपको जैसा सही लगे वैसा। और मैं मोस्टली ऐसे हिला के थोड़ा कर लेती हूँ तो उससे आसानी सी हो जाती है, मतलब जलता भी नहीं है पनीर और आराम से सिक जाता है। और यहाँ पे भी मेरे ये टमाटर भी तैयार हैं मोस्टली, मतलब बस हल्के से रह गए हैं गलने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पनीर भी पूरा कंप्लीट भुन चुका है, और ये मैं अब मोस्टली हो चुका, आपको अप्रॉक्स शायद 2-3 मिनट ही लगेंगे जब तक ये अपना पनीर काफ़ी अच्छा भुन जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर क्या टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा भी भून लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिससे फिर क्या तोड़ने में उसमें वो एकदम सॉफ्टनेस नहीं रहती है। तो यहाँ मैंने पनीर गैस ऑफ कर दी है और ये पनीर को उसी पैन में छोड़ दिया, पैन गर्म था, मैंने कहा थोड़ा सा और हो जाएगा जल्दी पैन, इससे क्या थोड़ी हमारी गैस की बचत भी होती है ये पैन गर्म होता है तो उसमें ये सिक जाएगा पूरा। और इसमें नहीं छोड़ना है और मोस्टली निकाल ही लेना है किसी प्लेट में या कुछ में। और यहाँ मेरी जब तक ग्रेवी ठंडी होती है तो देखो ये देवांश ने क्या कर दिया, पूरे खिलौने, कम से कम ये खिलौने टॉयज इसके मैं दिन में 5 या 6 टाइम्स भरती हूँ शायद। सुबह एकदम अलग, अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह एकदम साफ सफाई करके एकदम क्लियर किया था, मैं खाना बनाने लग गई तो वो आए और खेल के, खेलता तो नहीं है बस फैला के और तुरंत चला जाता, पूरे हॉल में, डाइनिंग स्पेस में, किचन में, जहाँ आप जाओगे वहाँ खिलौने मिलते हैं इसके इतने। और सारे जितने भी है, अगर टूटा हुआ भी खिलौना है वो भी इसको चाहिए, ऐसा नहीं। जब तक मेरी ग्रेवी पूरी ठंडी हो चुकी थी और मैं ये ग्रेवी को पीस रही हूँ, काफ़ी अच्छी फाइन ग्रेवी पीस लेनी है। और हाँ, ग्रेवी बनाने में अगर आपको ये काजू डालने हैं तो आप काजू डाल सकते हो, मैंने नहीं डाले थे क्योंकि ये केके का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं काजू अवॉइड कर रही हूँ आजकल। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लिया, बहुत थोड़ा सा ही लिया है, मैं हमेशा तेल बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली सब्ज़ी नहीं बनाती। और उसमें मैंने थोड़े से ये खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने डाला है मतलब तेज़पत्ता, लौंग और दालचीनी। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बारीक, जिससे कि एकदम क्रीमी टेस्ट आए उसमें कढ़ाई पनीर में। तो लेकिन कढ़ाई पनीर थोड़ा हल्का सा स्पाइसी ही बनता है तो तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे कंटिन्यूस इसको चलाते हुए, मतलब अब मैंने टमाटर और ये ग्रेवी डाली है तो थोड़ा सा नमक भी डाला है क्योंकि टमाटर हैं इसमें तो वो जल्दी तो भी पक जाएंगे नमक डालने पे। और इसमें मैं थोड़ा सा मसाला भी डालूंगी, हल्दी पाउडर और बस लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी ही डालनी है लाल मिर्च पाउडर मैंने, क्योंकि हरी मिर्च भी काफ़ी डाल ली थी तो उसे तीखा हो जाएगा। तो बस अब कंटिन्यूस इसको चलाते रहना है क्योंकि ये ग्रेवी पकानी है, तेल तो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेगी क्योंकि मैंने तेल डाला ही नहीं है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये मेरी कढ़ाई से चिपकना बंद हो जाएगी तो मतलब इसका मतलब पूरी भुन चुकी है मेरी ग्रेवी, और ये मैं कंटिन्यूस इसको चलाते हुए पका रही हूँ। तो ये मेरी अब देखो ग्रेवी कंप्लीट शायद पक चुकी है, और देखो ये मेरी अपने आप ही छूटना चालू हो जाता है कढ़ाई से। और इसमें मैं डाल दूंगी ये 2-3 चम्मच कढ़ाई मसाला जो मैंने बनाया था, इसको एचएस भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला पहले से ही भुना हुआ है। और इसमें फिर हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको जैसी थिकनेस रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हो, वो हल्का सा पतला ही रखना है क्योंकि अभी हमें पनीर और शिमला मिर्च को भी थोड़ा पकाना है। तो इसलिए पहले हम इस ग्रेवी को पकाएंगे पानी डाल के, उसके बाद हमें वो चीज़ डालनी है। तो अब इसको मैं मतलब ये चला दिया और इसको ढक के पकाना है, नहीं तो बड़ा उछलता है ये बहुत ज़्यादा। मैंने इसको ढक के कम से कम 10 मिनट पकाया था, और उसके बाद ये मैंने शिमला मिर्च और पनीर और ये प्याज जो काट के रखी थी वो डाल दी है, वो डाल के इसको चलाते रहना। फिर इसको हमें कम से कम शायद 10 मिनट फिर पकाना है, हमें थोड़ा ढक के ही पकाना है, जिससे
अच्छा बन जाए। और देखो ये मैंने 10 मिनट पक्के पकाई थी और ये मेरी सब्जी एकदम बन के तैयार है। और इसमें लास्ट में डाल देनी है आपको थोड़ी सी कसूरी मेथी, और डालना चाहे तो आप धनिया भी डाल सकते हो। मैंने कसूरी मेथी डाली है और मैंने धनिया भी डाला था बाद में, लेकिन ये मेरी सब्जी एकदम तैयार है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मतलब मुझे पनीर के साथ है ना, मेरे देवांश को इस टाइप की रोटियां बड़ी पसंद है। जैसे हम पहले पहले ज़माने में चूल्हे पे बनती थी रोटियां, जो बिना मतलब सूखा आटा लगाए उस टाइप से बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है और फिर थोड़ा सा उस पे लगा देते हैं चकले पे, और उस पे आप ऐसे बनाओ रोटी और फिर थोड़ी सी अपने हाथों से ऐसे इसको बड़ा कर देते हैं। इसमें बड़ा बहुत अच्छी टेस्टी रोटियां बनती हैं। मैं नान तो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि नान क्या मैदे की होती है तो वो अनहेल्दी हो जाती है। तो रोटियां इस टाइप से बना लो आप, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी आप बना के देखना पनीर के साथ, खासकर पनीर की कोई भी सब्जी बनाओ आप पनीर की, उसके साथ ऐसी रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरी देवांश की फेवरेट है, तो मैं हमेशा उसके लिए ऐसे ही बनाती हूँ, हम भी खाते हैं। तो आज का खाना मेरा तैयार है। मेरी थाली है ये मतलब कढ़ाई पनीर और ये छाछ और रोटी। आज मैंने सैलेड नहीं खाटा है, क्योंकि इसमें खुद ही इतनी प्याज डली हुई है कि सैलेड की ऐसे नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें छाछ मसाला डाल रही हूँ, जो मसाला मैंने खुद ही बना के घर पे रख रखा है। मुझे छाछ में छाछ मसाला डाल के थोड़ा पीने के अच्छा लगता है। तो आइए आप भी खा लीजिए, और आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।